दोस्तों, यह है राज्य के प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय पांचवा नागौर और यहाँ के प्रभारी हैं डॉक्टर गोविंद राम जी चौधरी। अपन बात कर रहे हैं इस क्लिनिक की। अभी सुबह यहाँ पर बहुत चहल पहल रहती है। अभी ये 1 बजे के आसपास की बात है, रेस्ट टाइम चलेगा थोड़ी देर बाद। ये यहाँ पर आउटडोर, अब दोस्तों हम उस शख्सियत से मिलवाने जाएंगे जिनका नाम आपने काफी सुना होगा, डॉक्टर गोविंद राम जी चौधरी। मैं आई कम इन सर। यस, डॉक्टर गोविंद राम जी चौधरी जिनका नाम आपने काफी सुना है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपकी इस जर्नी के बारे में कुछ बताइए। आज अपने वेटनेरियंस को क्या सुझाव देना है उस बारे में भी। नमस्कार मेरे फ्रेंड्स, नमस्कार सभी डॉक्टर्स को, सारी वेटनेरियंस को मेरी तरफ से नववर्ष की शुभकामनाएं। मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में ब्रीफ करना चाह रहा हूँ। मैंने BUSNH वेटनरी कॉलेज बीकानेर से 1990 में किया। उसके बाद मैं 1993 में सर्जरी में पीजी की। मेरा सर्जरी में टॉपिक था रिटेंशन ऑफ यूरिन इन कैमल्स में, मेरा टॉपिक था, वहाँ से मैंने पीजी की। उसके बाद मैं 13 फरवरी 1993 को मेरा कुचामन सिटी में पोस्टिंग हुई। उसके बाद में कुचामन सिटी सीनियर हॉस्पिटल बन गया और मेरा यहाँ छोटा सा गांव है, एक पांचवा तहसील कुचामन सिटी में आता है, नागौर डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव है। यहाँ एक छोटा सा वेटनरी हॉस्पिटल था और मैंने यहाँ पर 2000 में 13 फरवरी 2000 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया। सर, ये कुचामन से कितना दूर है? कुचामन से 10 किलोमीटर दूर है, छोटा सा एक गांव है जिसमें लगभग 186 के आसपास हाउसेस घर हैं। और पशुपालन विभाग से ये बहुत अच्छा, यहाँ पशुपालन की तरफ से बहुत अच्छे एनिमल्स हैं, अच्छा डेवलप है। जब मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई थी तभी छोटा सा हॉस्पिटल था, यहाँ पे आउटडोर वगैरह या कुछ भी नहीं था। और 2 महीने तक तो मैं एज सच यहाँ पर सिर्फ एक स्टूल थी बैठने के लिए, उस पर आके बैठ के और वापस टाइम जैसे ही कंप्लीट होता हॉस्पिटल के वापस जाता था, एक सिंगल आउटडोर नहीं था। फिर मैंने धीरे धीरे यहाँ लोगों को मोटिवेट किया, मोटिवेट करने के बाद में लोगों ने मेरा साथ दिया। मतलब शुरुआत में आपको काफ़ी चैलेंज मिले? बहुत। 2 महीने तक तो आपको बताऊँ कि एक सिंगल आउटडोर नहीं था इस हॉस्पिटल का, मैं यूँ बैठ के यहाँ पर, बट मैंने 1 भी मिनट की हॉस्पिटल्स की ड्यूटी की चोरी नहीं की, पूरा कंप्लीट यहाँ सीटिंग दी। और सीटिंग देने से धीरे धीरे पशुपालकों को मैंने कन्विंस किया कि भाई आप लोग हॉस्पिटल में लाओ, हॉस्पिटल में आप लाओगे तो आपका फ्री में इलाज होगा, यहाँ पर बहुत सारी मदद मिलती है। घर पे जाते तो चार्जेस महंगे पड़ते हैं, इसलिए हॉस्पिटल में लाओ। अब लोगों ने मेरा साथ दिया और अब लगभग 99% पेशेंट्स सारे के सारे एनिमल्स सारे हॉस्पिटल में लेके आते हैं। 2000 से फिर मैंने मेहनत करना चालू किया और आप देखो कि 2006-07 में मुझे लिम्का बुक ऑफ अवार्ड मिला हाईएस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, जिसमें इंडिया में, पूरे इंडिया में मेरा हाईएस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन था एक ग्रामीण हॉस्पिटल में। उसमें 5330 की मेरी एनुअली एआई थी उसमें 2007 में, हाँ 2006-07 में। और उसके बाद में मैं और प्रोग्रेस की, 7-8 में मुझे टाइम नहीं मिला, बाकी उस टाइम मेरी एआई थी 6110 2007-08 में, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम मैं गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अप्लाई नहीं कर पाया। अदरवाइज तो आई वाज कॉन्फिडेंट कि मुझे उसके अंदर आराम से गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मेरा नाम हो जाता। सर, आपके काम करने का इतना जुनून आपके अंदर कहाँ से आया स्टार्टिंग से? ये स्टार्टिंग मैंने वेटनरी कॉलेज बीकानेर से सर्जरी, मैंने पीजी की सर्जरी में। सर्जरी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर पुश अप करते हैं,
स्टूडेंट्स को इतना बूस्टअप करते हैं, इतना बूस्टअप करते हैं कि आप फिजिकली एज वेल एज मेंटली और एज वेल एज आपको पूरे दिन वर्क करना है। और मैं आपको बता दूं कि अभी मैं 14 से 15 आवर्स डेली काम करता हूं प्रोफेशन के लिए। ये तो सर हम देख रहे हैं अपने बचपन से, हमने आपको देखा है, आपने जब पीजी करी तब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था सर, हम 1994 हमारा बर्थ है। आज मेरी पीजी चल रही है बॉम्बे वेटनरी कॉलेज से। बहुत बढ़िया, मुबारक हो आपको। हाँ सर, लेकिन इतनी जर्नी हमने आपकी देखी है, इतना जुनून किसी में नहीं देखा। और ये भी मानते हैं कि पैसे से कभी काम नहीं होता है, जुनून से ही काम हो सकता है। बिल्कुल जुनून से होता है, क्योंकि वो कभी मायने रखता भी नहीं है। कोई भी काम आप लेके चलते हो, सो काम में 3D प्रोग्राम लेके चलना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपका उस प्रोफेशन के प्रति डिवोशन होना चाहिए। 3D प्रोग्राम, डिवोशन डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। तभी आप किसी भी मुकाम पे पहुंच सकते हो। ये 3D अगर आपके पास में है तो आप बिल्कुल मुकाम पे पहुंच सकते हो और उससे टारगेट को आप गेट कर सकते हैं। मैं बिजी कर रहा था तब भी मेरे एक मन में थी कि मैं फील्ड में जाऊंगा और फील्ड में एक बहुत अच्छा काम करूंगा पशुपालकों के लिए। अभी आप देख रहे हैं हॉस्पिटल में आउटडोर लगभग इस टाइम 200 पर डे का आउटडोर है। अप्रोक्सीमेटली 200 के आसपास छोटे मोटे जानवर आते हैं, जिसमें से एवरेज 5 सर्जरी होती है। हम 9 बजे यहाँ शार्प लग जाते हैं काम पे, और आपने देखा होगा कंप्लीट स्टरलाइजेशन का पूरा ध्यान है। ये जरूर है कि लड़के मेरे पास में जो इंटर्नशिप करने आते हैं, कंपाउंडर्स LA से आते हैं और डॉक्टर्स आते हैं, उनकी मेरे को पूरी मदद मिलती है, क्योंकि इतना आउटडोर है तो एक आदमी से तो कंट्रोल होता नहीं। एवरी टाइम मेरे पास में कम से कम 3-4 डॉक्टर्स रहते हैं और 10 से लेकर 15 LA रहते हैं, तभी हम इतना आउटडोर पूरा कंप्लीट कर पाते हैं। फिर मैं आपको अवार्ड्स के बारे में बता रहा था हॉस्पिटल से ही। आप देखिए कि मुझे उसके बाद स्टेट अवार्ड और यहाँ के जो रीजनल अवार्ड्स हैं, कलेक्टर अवार्ड्स हैं, SDM अवार्ड्स हैं, ये तो बहुत सारे मिलते हैं। हर 26 जनवरी को 15 अगस्त को कोई ना कोई अवार्ड मिलता है। 2018 में मुझे राष्ट्रीय नेशनल अवार्ड मिला मुझे, जिसमें स्पेशली AI के लिए और बेस्ट वेटनेरियन के लिए ये नेशनल अवार्ड था। जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उन्होंने मुझे अवार्ड दिया दिल्ली बुला के। 1 जून को मिल्क डे में जो फंक्शन होता है, मिल्क डे के दिन 1 जून 2018 को दिल्ली में फंक्शन था, और उसमें ऑल ओवर इंडिया से जो भी बेस्ट वेटनेरियंस थे, जो हर फील्ड में जो बेस्ट वेटनरी फील्ड से थे, उनको सबको अवार्ड दिया गया था। उसमें मेरा भी चयन हुआ और मुझे एज ए बेस्ट वेटनेरियन एंड एज ए बेस्ट AI टेक्नीशियन का मुझे अवार्ड मिला है 2018 में। और बाकी डेली काम चलता ही। सर एक सवाल है, अक्सर मैंने ये सवाल फेस किया है कि वेटनेरियंस में क्या होता है कि अपन जब वेटनरी में आते हैं तो कहीं ना कहीं अपन MBBS की तैयारी कर रहे होते हैं, प्री मेडिकल टेस्ट की, वहाँ अपन असफल होकर के वेटनरी में आते हैं। तो मैंने भी 5 साल में अपने जितने भी सीनियर्स हैं, जितने भी क्लासमेट्स हैं, सबसे एक ही चीज़ उनको क्या रहता है कि उनके दिमाग में वो MBBS घुसा रहता है। अपन किसी फील्ड से तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं एक राय जानना चाहता हूँ कि मतलब कोई भी राय देता है तो एक ही चीज़ कहता है कि वेटनरी में कुछ नहीं रखा है। तो इसके बारे में थोड़े 2 शब्द, क्योंकि अपने जो बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर में आते हैं वो इतने डिमोरलाइज रहते हैं कि उनके अंदर कोई मॉरल सपोर्ट उनको देता भी नहीं है, और उनको मतलब एक अंदर वो कहीं ना कहीं मलाल रहता है कि हम MBBS में सफल नहीं हुए और अपन वेटनरी में आ गए तो वेटनरी में कुछ नहीं है, इस तरीके का कुछ रहता है। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा ये बिल्कुल गलत भ्रांति है। जो भी इसमें वेटनरी की या मेडिकल की जो भी तैयारी कर रहे हैं, मैं इस प्रोफेशन के लिए उनसे अनुरोध करूँगा कि आप वेटनरी प्रोफेशन को एज ए मिशन लें। वेटनरी प्रोफेशन बहुत अच्छा है, इसको आप ऐसा नहीं लें कि इसमें बस यही है कि इसके अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो आपको उसमें भी करनी पड़ती है, इसमें भी आपको मेहनत, बिना मेहनत के आपको अचीवमेंट नहीं मिलेगा। अगर आप अच्छी मेहनत करोगे, अच्छा नॉलेज रखोगे, तो मैं कह रहा हूँ वेटनरी फील्ड से बढ़िया कोई फील्ड ही नहीं है। आप देखिए यहाँ पर कितने रोज़ कम से कम 100 के आसपास मेरे पास पशुपालक आते हैं, डेली के डेली 100 से मोर देन 100 पशुपालक आते हैं, और यहाँ का एरिया से मेरा बहुत अच्छा अटैचमेंट है, बहुत अच्छा लगा। मैं नहीं सोचता कि किसी मेडिकल अफसर का इतना बढ़िया अटैचमेंट है। हमारे यहाँ मेडिकल अफसर बैठते हैं, जो उनकी इमेज है हमारी इमेज में, दैट इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस।
तो ये सारा ना डायरेक्ट कनेक्शन रहता है, बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन रहता है भाई आपका। तो एक मारवाड़ी में कहावत है ना, चूल्हे तक आपका भाई एनिमल रहेगा तो एनिमल दूध देगा, चूल्हे तक आपका अप्रोच रहता है। इसलिए मैं सारे स्टूडेंट से अनुरोध करूँगा कि आप अच्छी तरह से मन लगा के इस फील्ड की, वेटनरी फील्ड की आप पढ़ाई करें। इस प्रोफेशन का बहुत अच्छा भविष्य है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। आप मन लगा के पढ़ाई करें, नया नया जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नए नए एडवेंचमेंट आ रहे हैं, उनके ऊपर आप काम करें और मन से काम करें। मैं कह रहा हूँ आपकी अचीवमेंट मिलने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा विशेष सारी वेटनरी से अनुरोध है। थैंक यू सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।